त्योहारों से पहले बड़ी ड्राई फ्रूट्स की कीमतें। शारदीय नवरात्र 7 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। हालांकि नवरात्र शुरू होने से पहले बाजार में बादाम और मूंगफली के दामों में तेजी दर्ज की गई है। अब ग्राहकों को बादाम और मूंगफली ज्यादा दाम पर खरीदना होगा। वहीं दूसरी तरफ राहत की बात यह है कि अन्य ड्राई फ्रूट्स के रेट फिलहाल स्थिर है। बादाम और मूंगफली के दामों में आने वाली तेजी की वजह इसकी पैदावार को कम होना बताया जा रहा है। कारोबारियों का कहना है कि बादाम और मूंगफली की पैदावार इस बार कम होने के कारण इनके भाव में तेजी आई है। हालांकि छुआरा, काजू, पिस्ता, किशमिश, मखाना समेत अन्य सूखे मेवे के दामों पर अभी तक कोई असर नहीं पड़ा है। फिलहाल अन्य सूखे मेवे के दामों में तेजी होने के आसार नजर नहीं आ रहे। कारोबारियों की माने तो बादाम में 200 रुपए किलो की वृद्धि हुई है। वृद्धि की वजह उत्पादन में कमी है। वहीं मखाना, काजू, पिस्ता, किशमिश, छुहारा के दामों में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं है। फुटकर व्यापारियों की माने तो मूंगफली के दाम में 20 से 25 रुपए किलो की वृद्धि देखने को मिली है। मूंगफली का थोक रेट 130 रुपए किलो तक पहुंच चुका है। फुटकर दाम 140 रुपए है। वहीं मखाना का दाम 650 तो काजू 750 तो किशमिश 240 और छुहारा 200 तो पिस्ता 900 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकता हुआ दिखाई दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।